हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आप एक कार ओनर है और खास तौर पे आपके पास ब्लैक कार है, तो आज आपके लिए मैं एक ऐसा शैम्पू लेके आया हूं, कसम से बता रहा हूं, अगर आप उसको यूज करेंगे तो आपकी गाड़ी एकदम से चमकने लगेगी। ब्लैक कार को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो पहले मैं आपको ये शैम्पू दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं चारकोल बेस्ड शैम्पू है, और ये आपने अगर कोटिंग वगैरह भी करा रखी है तो भी ये शैम्पू आप बेधड़क यूज कर सकते हैं, उसको अफेक्ट नहीं करेगा। 5 लीटर का कैन मैंने खरीद लिया था, 500-550-600 के आसपास का मेरे को ये मिल गया था। बहुत ही बेहतरीन शैम्पू है, इसी को मैं यूज करके आपको दिखाऊंगा आज। दोस्तों, मिक्सिंग का प्रोसेस बहुत सिंपल है। 100 ml शैम्पू, बाकी पूरा पानी, थोड़ा सा स्पेस ऊपर से छोड़ देना है। तो इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं, मैं इसको भर के और यूज करके फिर आपको दिखाऊंगा बिफोर एंड आफ्टर कार कैसी दिखती है। दोस्तों, तो गाइस, आप कभी भी अपनी कार को वॉश करें या आपने प्लान बनाया हो फोम वॉश करना हो, तो सबसे पहले अच्छे से पानी से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है और डस्ट पार्टिकल्स को निकालना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, फोम कैनन मैं इस पर लगा दे रहा हूँ। दोस्तों, मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय मैं कार धोऊँ या वॉइस ओवर करूँ, तो फिलहाल आप वीडियो देखें। देखिए, मैं इसको पूरा फोम से वॉश कर रहा हूँ। बहुत बेहतरीन, मतलब मशीन भी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो JPT की प्रेशर वॉशर है। उसके साथ ये पूरा फोम कैनन का सेट वगैरह मिलता है। इस प्रोडक्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहो तो उसे भी चेकआउट कर सकते हो। ये मशीन बहुत बढ़िया फोमिंग करती है, और ये जो शैम्पू आप देख रहे हो ना, ये शैम्पू भी बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है। पूरी एक स्नो की, मतलब कवर कर देता है पूरी गाड़ी को, ऐसा लगता है जैसे कि स्नो से पूरी गाड़ी ढक गई है। एक बार फोम लगा देने के बाद कुछ नहीं, आप एक अच्छे माइक्रोफाइबर क्लोथ से, दोस्तों माइक्रोफाइबर क्लोथ बहुत ध्यान से इस्तेमाल करिएगा, एक अच्छे माइक्रोफाइबर क्लोथ से अपनी गाड़ी को पूरा थोरोली रगड़ लें, मतलब साफ़ कर लें। डस्ट वस्ट सारा उड़ जाना चाहिए, डस्ट तो वैसे पहले ही उड़ गया होता है, लेकिन बाद में उसको अच्छे से साफ़ कर लें। उसके बाद आप जब रगड़ जाएँ, पूरा सा अच्छे से रगड़ लें गाड़ी को, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। ये पूरा जो प्रेशर वॉशर को यूज़ करना है, और पानी से पूरी की पूरी गाड़ी चमका देनी है। और उसके बाद एक अच्छा कपड़ा लेके, सूखा कपड़ा लेके माइक्रोफाइबर का, आप अपनी गाड़ी को रब करिए, नहीं तो वाटर स्टेन्स इस पे आ जाएंगे। दोस्तों, पूरी गाड़ी धुलने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रहती है। मेरी गाड़ी पे सिरेमिक कोटिंग भी है, तो इसलिए मुझे कोई वैक्स और पॉलिश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेहतरीन लगती है गाड़ी, एकदम चमक गई है। इस प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और प्रोडक्ट लेके आता रहता हूँ। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।